कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मंगलवार को नगर निगम परिसर में मोहल्ला निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित मोहल्ला निगरानी समिति की बैठक में समिति के सदस्यों को मेडिसिन किट के साथ फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और फेस शील्ड दिया गया। इस मौके पर निगरानी समिति को संबोधित करते हुए अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा ने कहा कि निगरानी समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोविड मरीजों की पहचान करना है। इस दौरान एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने समिति के सदस्यों से कहा कि आप लोग सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए बीमारों की पहचान कर उनका लिस्ट संबंधित अधिकारी को सौंपें और दवाइयों की किट बांटें। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने निगरानी समिति के सदस्यों को दिए जा रहे किट में उपलब्ध दवाओं की जानकारी एवं उपयोग के बारे में बताया, ताकि निगरानी समिति के सदस्य अपने वार्डों में जांचोपरांत जिन व्यक्तियों को कोरोना के लक्षण दिखे उन्हें दवा एवं आवश्यक सलाह दे सकें। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुलदीप मीणा, नगर मजिस्ट्रेट अभिराव रंजन श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, उपनगर आयुक्त संजय शुक्ला सहित नगर निगम के 70 वार्डों के सुपरवाइजर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, तो सबसे पहले भ्रमण कर लें और इसकी सूचना बहुत आसानी से मिल जा रही है कि कहां पर इस प्रकार के लोग आ जा रहे हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने किया, सबको कंटेनमेंट जोन जिस जिस वार्ड में है, बड़े बड़े आपके कंटेनमेंट जोन हैं, जो आपको पता है कि गोरखपुर में 31 कंटेनमेंट जोन हैं। शहर सैनिटाइजर करा रहे हैं, हमारे नगर आयुक्त स्वयं उसका सबसे आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आज भी हम लोगों ने नगर निगम में जो 32 गांव आए हैं, आज उनको नगर आयुक्त साहब ने स्वयं अपनी देख रेख में सैनिटाइज कराया। तो जब नगर आयुक्त साहब स्वयं खड़ो करके सब काम करा रहे हैं तो हम सबका भी दायित्व बन जाता है कि हम लोग को कम से कम उनके उनसे बराबर तो हम लोग को काम कर लें। जो नगर निगम से संबंधित कार्य हैं पर आयुक्त साहब ने आपको सभी बता दिए, और जैसा कि हमें मालूम पड़ता है सभी कार्य आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। दो तीन चीज़ें जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, हमें मतलब जो स्वास्थ्य विभाग है इस वक्त कोरोना की जो महामारी है, जो पैंडेमिक है, उसके अंदर स्वास्थ्य विभाग अपने आप में इतना सक्षम नहीं है कि इतना सारा लोड एक साथ अकेले संभाल ले। तो उसके लिए जैसे हमारा राजस्व विभाग उनके सपोर्ट में लगा हुआ है, इसी एक्सपेक्टेशन से यही बताने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ कि आप किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया, डेली बेसिस पे आप किसी ना किसी तरह से हर एक मरीज कहते हैं, वो बार बार आपको यही वर्ड आएगा कि ये ILI सारी के मरीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार अगर किसी को होते हुए नज़र आता है आपकी नज़र में, या कोई आपको ऐसा टेस्ट करा दिया जाए, उसको उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। या तो उसको पता नहीं है कि सेंटर कहाँ पे जहाँ बहुत ही आसानी से उसका टेस्ट हो जाए, या उसे डर लगता है कि वहाँ पे भीड़ बहुत होगी। तो जैसे आपके नगर निगम क्षेत्र में अगर हम जिला अस्पताल और ऐसी सभी बड़ी जगहों को छोड़ दें जहाँ पे कि हर एक आदमी पहुँच सकता है, 22 और जगहों पे टेस्ट होता है जो कि आम जनता को इतना नहीं पता है। तो आपसे अगर कोई भी संपर्क करता है, मैं आपके उपायुक्त साहब को वो लिस्ट दे दूंगा। एरिया के अंदर, आपके वार्ड के अंदर अगर कोई ऐसे व्यक्ति आपको पाए जाते हैं जिसको कि ILI सारी जैसे सिम्टम्स हैं और जो टेस्टिंग कराना चाहता है, या आपको लगता है कि उसके पड़ोसी को लगता है उसे करा लेनी चाहिए और वो नहीं कराने जा रहा है, तो अंत में जैसा कि हमने पिछले 15-20 दिनों में देखा है, यही सब चीज़ें हैं जो कि आप इनिशियल स्टेजेस पे शुरुआती दौर में अगर नहीं पहचानेंगे उसको, तो वो अल्टीमेटली डेथ में रिजल्ट होती है। इम्पॉर्टेंट है, और जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से सरकारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उतना अपना वहाँ पे है। सिर्फ आपको जो डेजिग्नेटेड जगह बता दी जाएगी, आपके इंस्पेक्टर्स को हम लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे कौन सी वो स्कूल है, कौन सी वो जगह है जहाँ आपको तुरंत टेस्टिंग हो जाती है। ट्रैक कर लेंगे, उसके आसपास जितने भी केसेज हैं, उनके घर के लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, उनको हम ट्रैक कर लेंगे, तो सबसे बड़ी हमारी समझिए उपलब्धि होगी कि पेशेंट की जान बचाने में, पेशेंट को सही अस्पताल में भेजने में और ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेंटेन करने में सबसे बॉम्बे से आ गया, दिल्ली से आ गया, तो उसको हमको उसको एक सूची तैयार करना, अपने रजिस्टर
अगर उसको सिम्टम कोई नहीं है, अगर वो पॉजिटिव नहीं हो रहा था तो उसको जान दीजिए। दवाओं के बारे में बताया, जो आपको मेडिकल किट दिया जाएगा जिसमें दवा की, आज मुझे भी यहाँ पर काम करते हुए आप लोगों के बीच में एक माह पूरा हो गया है, और पिछले एक माह में आप लोगों ने जिस प्रकार से जितनी मेहनत, कभी सड़कों और गलियों की सफाई कराते समय, कभी नाला सफाई कराते हुए, कभी फॉगिंग कराते हुए, और मैं इस बात पर मोहल्ला निगरानी समिति की तैनात की गई है, जिसके के अध्यक्ष माननीय क्षेत्रीय पार्षद जी हैं, उनके साथ हमारे क्षेत्रीय इंस्पेक्टर सुपरवाइजर, निगरानी समिति के गठन कार्य एवं दायित्व के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर एक पे है कि निगरानी समितियों द्वारा, निगरानी समिति मतलब आप लोगों के द्वारा डोर टू डोर स्क्रीनिंग सुनिश्चित कराना, हर लक्षण युक्त तथा संदिग्ध व्यक्ति को निगरानी समिति द्वारा मेडिकल किट उपलब्ध कराना। देखिए, अभी तक आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो चल रहा था, वो पूरे 17 वार्ड को सैनिटाइज कराने का था, जो जिसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन अब पिछले 15 दिनों से अब हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब टॉप प्रायोरिटी है कि जो हम स्क्रीनिंग करेंगे और उसके पश्चात जो भी हमको कोविड पॉजिटिव मिलेंगे या जो सस्पेक्टेड पेशेंट होंगे, उनको मेडिकल किट हर हाल में उपलब्ध कराना, और ये सब परिणाम आप लोगों के मेहनत के बल पर हुआ। ये महामारी जो है, ये पूरे मानवता के लिए खतरा बन करके उभरी है, और हम भारत के बीमार नागरिक के हैसियत से पहुँचाएंगे, और उन लोगों तक जिनमें जड़ा सा भी लक्षण आ रहा है, अपने सभी सहयोगियों के बल बूते पर उनको दवा बिना जांच कराए, सरकार का उद्देश्य है कि शुरू कर दे, तो हम बहुत हद तक कोरोना पर नियंत्रण पा सकते हैं। इस उद्देश्य से आप लोगों की मीटिंग बुलाई गई है, और कोई भी असुविधा हो तो आप लोग हमारे नगर आयुक्त साहब हैं, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट है, एडीएम सदर है, इन लोगों ने भी बहुत अच्छी सेवा की है। मैंने देखा है कि जब एक एक सिलेंडर के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तो एडीएम साहब के लिए समस्या थी कि सीमित संसाधनों में कैसे सबको हम मदद कर सकें, लेकिन उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैंने नजदीक से देखा है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब शहर में हमेशा सक्रिय रहते हैं कि कहीं भी कोई भी दुर्घटना ना हो, कोई नियम के विरुद्ध काम ना करे। ये दोनों हमारे अधिकारी डीएम साहब, कमिश्नर साहब दिन रात लगे हैं, तो हम लोगों का दायित्व होता है कि इन लोगों के दिखाए हुए रास्ते पर जो हमारी सरकार की गाइडलाइन जारी हुई है, सर एसओएस कर सकते हैं, जब बुखार चले तभी देना, अदरवाइज को नहीं देना। देखिए, हल्के सफ़ेद रंग की इसकी पन्नी है, ऊपर से चढ़ी हुई है, ये भी 10 गोली है, ऊपर भूरा भूरा सा है, बड़ी गोली है, पैरासीटामोल। ये जिंक सल्फेट है, जो हम इसका जिक्र किए थे, जिंक सल्फेट का जो गार्ड का काम करता है, ये 10 गोली है, ये 5 दिन की दवा है, इसको सुबह शाम खाना है। आप आ जाइए, रात को सर वार्ड नंबर 21, आप इसकी डिमांड और कर सकते हैं, कहीं इधर उधर नहीं पड़ी पाई जाए कि साहब वो झोला पाए, और संभव हो सके तो उसका आधार कार्ड है, आधार कार्ड नंबर नगर कार्ड। आज नगर निगम में 70 वार्डों के सुपरवाइजर लोगों को बुलाया गया था, और उसमें हमारे नगर आयुक्त, अपर आयुक्त मुकेश रस्तोगी, एडीएम सदर, सिटी मजिस्ट्रेट और भी सारे अधिकारी उपस्थित हैं, और उसमें जो बातें हुई है, सुपरवाइजर लोगों को एडवाइस दिया गया है कि आप हर मोहल्ले मोहल्ले में सर्वे करिए, अगर किसी को कोरोना हो गया है या कोई बुखार सर्दी खांसी आ रही है, तो उसको ये दवा का किट आप लोगों को जो दी जा रही है उसको दें, उसका नंबर नोट करें और उन्हें बताएं कैसे खाना है और कब खाना है।
इस उद्देश्य से यहाँ पर बुलाई गई थी कि अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार होता है तो जांच के भरोसे न रहे, दवा शुरू करें, जांच होती रहे। अगर हम लोग दवा शुरू कर देंगे हमारे सुपरवाइजर के बलबूते पर, तो ये समस्याएं बहुत हद तक कोरोना पर कंट्रोल हो जाएगी। इसको लेकर के मीटिंग हुई है और बहुत अच्छी मीटिंग है यह, सब लोगों ने इसको स्वीकार किया है कि एक काम ठीक है और ये मानवता के लिए खतरा है पूरा कोरोना। मैं नागरिकों से भी अपील करूंगा कि सरकार के गाइडलाइन का ख्याल करें, उसका पालन करें, तब जा कर के आगे आने वाला समय खतरे से खाली नहीं है। बिना थके बिना रुके इस पर काम होना चाहिए और सबको सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे बड़ा बचाव का एक ही साधन है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसी पर हमारे सभी सुपरवाइजरों को दवा किट दी गई है और फिर अगर कमी होगी तो उनकी मांग पर हम लोग फिर देंगे।